फ्री में सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बिनय साहू को और दबाइए इस बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2018 कक्षा 9 में विषय समाज विज्ञान पूर्णांक 100 समय 3 घंटे। निर्देश देख लीजिए आप। सही विकल्प चुनकर लिखिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? खंडा तो सुंदरलाल बहुगुणा। क्षेत्रफल दृष्टि भारत के विश्व में स्थान है 7। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? नेपोलियन। समुद्रगुप्त को। प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा संचालित शासन है? लिंकन। कहा लिंकन ने कहा था। किसे वोट देने का अधिकार नहीं है? उपर्युक्त सभी पालक नवा पागल या मानसिक विकलांगों का को नाबालिगों को न्यायालय द्वारा दिवाली घोषित। उपर्युक्त सभी किसी को वोट नहीं देना है। जैसे ये फिर नेक्स्ट है, तीर्थ स्थानों की पूर्ति कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? लू। हाँ ये कहते हैं। मेवाड़ का शासक महाराणा सांगा है ना शायद। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर खुद का नियंत्रण रहता है, स्वयं का। ज्वारीय मैग्रोव वन में मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। नागरिकों द्वारा अपने देश के प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया चुनाव कहलाती है ना, चुनाव कहलाता है या निर्वाचन। कॉटिल चाणक का हो जाएगा अर्थशास्त्र। अंतिम जनगणना 2011 में नर्मदा नदी अमरकंटक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 1976 में दीन दिलाही अकबर। सत्य सत्य चुनकर लिखिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। नो असत्य, राष्ट्रपति करते। इसलिए असत्य। कर के रेखा भारत तो दो भागों में बांटती है। सत्य। तुलसी वनस्पति जुकाम व खांसी के लिए उपयोग होता है। सत्य। व्यवसाय पशुपालन था। अस्तु ने प्रजन को मूर्खों का शासन कहा है तो ये चौथा असत्य है। कृषि था, ये भी असत्य है। बहुतों का शासन। एक शब्दावली की एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पृथ्वी की कोई वस्तु जवानों के लिए उपयोगी संसाधन। पांच नदियों का प्रदेश पंजाब कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हित किस उद्योग का अधिक महत्व है? लघु उद्योग। बहुमत प्राप्त न करने वाला राजनीतिक दल कहलाता है? ये देख लेना यार आप, है ना। और भारत का क्षेत्रफल लिखिए। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है ना। खंडवा है। भारत को किन किन नामों से जाना जाता है? अथवा भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? प्रश्न 7 है। जलवायु से क्या आशय है अथवा मानसून से क्या अभिप्राय है? प्रश्न 8 है। प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है अथवा वन किसे कहते हैं? प्रश्न 9 है। सिंधु सभ्यता के चार नगरों के नाम लिखिए अथवा मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली अथवा गुरु गोविंद सिंह कौन थे? पर्यावरण क्या है? पर्यावरण संरक्षण से क्या आशय है? प्रश्न 12 संसाधन से क्या तात्पर्य है अथवा ओजोन परत के क्षयीकरण की समस्या को स्पष्ट कीजिए? प्रश्न 13 सिंधु सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन की विशेषता बताइए अथवा गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है, इसके तंग की व्याख्या कीजिए? अशोक के धर्म को समझाइए अथवा अशोक के धर्म की विशेषता लिखिए। प्रश्न 15 जनसंख्या वृद्धि की चार प्रमुख कारण लिखिए अथवा जनसंख्या वृद्धि की कोई चार समस्याएं लिखिए। प्रश्न 16 महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? समझाइए अथवा चोल प्रशासन की चार विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। प्रश्न 17 है, वैश्य प्रजातंत्र के गुणों का वर्णन कीजिए अथवा है ना। प्रश्न 18 निर्वाचन चुनाव आयोग के मुख्य कार्यों को लिखिए अथवा राजनीतिक दल के कार्य लिखिए। प्रश्न 19 है, भारत की प्राचीन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बताइए अथवा प्राचीन एवं आधुनिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। प्रश्न 20 है, सिंधु सभ्यता की क्या देन है? समझाइए। अरे डीजे बज रहा है यार गांव में, थोड़ा देख लेना बैकग्राउंड पर, ज़्यादा ध्यान मत देना। अथवा वैदिक सभ्यता का वर्णन कीजिए। प्रश्न 21 है, 21 क्योंकि यार वो चल रहा है नव दुर्गा उत्सव समिति है ना, नवरात्र आरंभ चल रहा नवरात्रि। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था क्या थी अथवा अकबर की राजपूत और धार्मिक नीतियों की विवेचना कीजिए। प्रश्न 22 है, भारत वासियों के लिए हिमालय का क्या महत्व है? समझाइए अथवा
भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है वर्णन कीजिए। यार फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप सभी क्वेश्चन को अटेंड करें, भले ही आपसे ना बने गलत फलत कुछ भी लिख देना यार, जो भी आता है सब लिख देना, क्योंकि अगर 5 मार्क्स का तो 2 मार्क्स तो मिलने ही मिल रहा है। कभी कभी तो यार ध्यान नहीं देता टीचर तो फुल मार्क्स दे देता है ना, तो आपको करके जरूर आना है भले ही आपसे ना बने। जैसे कि मैंने बताया, मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया यार फ्रेंड्स, है ना। अथवा निम्न पर टिप्पणी लिखिए, शेरशाह सूरी, रानी दुर्गावती। प्रश्न क्रमांक 24, प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है फ्रेंड्स? अथवा वर्तमान भारतीय प्रजातंत्र किन किन चुनौतियों से गुजर रहा है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 25 है, एक आदर्श ग्राम की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, लिखिए। यार एक अच्छे गांव की क्या विशेषता होती है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं और अच्छी मतलब शिक्षा व्यवस्था होती है, इस सब सिस्टम देखा। अथवा अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उल्लेख कीजिए। प्रदूषण से क्या आशय है, प्रदूषण के प्रकार वर्णन कीजिए। अथवा चिपको आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो यार पीडीएफ फाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, है ना। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।